तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर तुम देखोगे तो ये क्या कह रहे हैं कि एक लाइट बॉडी, लाइट बॉडी मतलब क्या होती है भाई? लाइट मतलब हल्की बॉडी जिसका मास कम है। चलो एक लाइट बॉडी है जिसका मास M1 है, एक हैवी बॉडी है, दिस इज द हैवी बॉडी, इसका मास M2 है, M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है। विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? अब देखो, ये अलग वेलोसिटी V1 से चल रहा होगा और ये अलग वेलोसिटी V2 से जा रहा होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 मान लेता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ½ mv², या V से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा MP² और नीचे, सॉरी, M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे नीचे बनेगा 2m, वैसे 2P² ऐसे तुम याद रखो, ठीक है ना। अब यहाँ से काइनेटिक इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल है, तो अब भाई अगर मोमेंटम इक्वल है, यहाँ से देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास मोमेंटम इक्वल आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मास से कैसे रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी आ गया P² / 2m, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मास के, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, मास विल बी द ग्रेटर, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हैवियर बॉडी है जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो लाइटर बॉडी है लार्जर काइनेटिक एनर्जी, बोथ हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, डेटा इनकम्प्लीट। तो आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे।